हेलो एवरीवन, ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रविन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स एंड बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के बारे में। ये दोनों इंडियन रेलवे की बहुत ही पुरानी लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। साथ में हम लोग जानेंगे डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स जो कि पटियाला में है, जो इंडियन रेलवे के लोकोमोटिव्स के स्पेयर पार्ट्स को डिज़ाइन करता है। एंड साथ में कुछ न्यू लोकोमोटिव फैक्ट्रीज जैसे कि ELF एंड DLF। ELF हमारा माधेपुरा में है एंड DLF हमारा मरहावड़ा में है। इन सभी लोकोमोटिव फैक्ट्रीज को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने इंडियन रेलवे में पाए जाने वाले सभी लोकोमोटिव्स को कवर किया था। लोकोमोटिव्स के बारे में जानने के बाद हम लोग को उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी गई हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में हम लोग जानेंगे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के फाउंडेशन के बारे में, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के अर्ली प्रोडक्ट्स के बारे में एंड चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स आज के समय में किन प्रोडक्ट्स को बना रहा है, इन सभी के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है हमारी चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के फाउंडेशन के बारे में। सो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का फाउंडेशन 26 जनवरी को किया गया है 1950 में। 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश का जो संविधान है वो एक्सेप्ट किया गया था। सो 26 जनवरी 1950 को लोको बिल्डिंग वर्क्स के नाम से चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो अस्तित्व में आया था। एंड इसका जो फाउंडेशन है वो चितरंजन विलेज सदर डिवीज़न ऑफ आसनसोल में किया गया है, वेस्ट बंगाल में। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का जो इनॉग्रेशन है, ये हमारे चितरंजन दास जी की जो वाइफ थी बसंती देवी जी, उन्हीं के कर कमलों द्वारा किया गया था 1950 में। सो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स सबसे पहले 1950 में बनाया गया। एंड चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो हमारी सेकेंड पॉइंट है, इसने अपना फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव देश बंधु जस्ट अपने फाउंडेशन के बाद 1950 में ही, इसका फाउंडेशन जनवरी में हुआ एंड नवंबर में इसने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट देश बंधु स्टीम लोकोमोटिव को इंडिया में प्रोड्यूस किया। सबसे पहला इंडियन स्टीम लोकोमोटिव देश बंधु CLW ने जस्ट अपने फाउंडेशन के बाद प्रोड्यूस किया गया था। जैसे ही चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप ने अपना देशबंधु स्टीम लोकोमोटिव प्रोड्यूस किया, सो इसके बाद इसका रीनेमिंग कर दिया गया था चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट हमारी इंडिया के फर्स्ट DC लोकोमोटिव, जो इंडिया के द्वारा इंडिपेंडेंस के बाद किसी इंडियन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। सो फर्स्ट DC लोकोमोटिव लोकमान्य WCM5, ये लोकोमोटिव CLW ने बनाया था 1961 में। फर्स्ट DC लोकोमोटिव बनाने के बाद एंड फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव बनाने के बाद CLW ने फर्स्ट AC लोकोमोटिव विधान भी इंडिया के लिए बनाया है। सो CLW नहीं, इंडिया का फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव, फर्स्ट DC लोकोमोटिव, फर्स्ट AC लोकोमोटिव एंड सिमिलरली फर्स्ट डीजल सेंटर इंद्रप्रस्थ बनाया है। ये सभी जो खिताब हैं वो CLW के ही नाम है। सो CLW इंडिया का ओल्डेस्ट लोकोमोटिव वर्कशॉप भी है। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले इसी को बनाया गया था। कुछ अर्ली लोकोमोटिव्स थे जैसे कि अजमेर वर्कशॉप एंड जमालपुर वर्कशॉप, बट वो उतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं थे, वो स्टीम लोकोमोटिव्स पे काम करते थे। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने डीजल लोकोमोटिव्स एंड DC लोकोमोटिव्स के लिए CLW का फाउंडेशन किया था, जिसको CLW ने बखूबी पूरा किया था। लास्ट पॉइंट है हमारी CLW ने जो न्यू AC लोकोमोटिव्स बनाना स्टार्ट किया है 1996 से, वो है WAG-9। WAG-9 25 सालों से इंडियन फ्रेट ट्रेन्स का मोस्ट पावरफुल गुड लोकोमोटिव माना जाता है। एंड अभी जो नई सीरीज आ रही है WAG-10, WAG-11 एंड WAG-12B की, वो 2030 तक इन WAG-9 इंजन्स को रिप्लेस कर देगी। बट अभी 25 सालों से CLW के द्वारा बनाया गया WAG-9 ही इंडियन फ्रेट ट्रेन्स का सबसे मोस्ट पावरफुल इंजन है,
जो फ्रेट ट्रेन्स को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेके जा सकता है। अगर बात करें CLW के कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में, सो CLW को सबसे ज़्यादा लोकोमोटिव बनाने का विश्व में रिकॉर्ड मिला है। 2019-20 में CLW ने 431 लोकोमोटिव्स बना के एक विश्व रिकॉर्ड को बनाया है, जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड है। अगर बात करें नीचे दिए गए इमेजेस के बारे में, सो फर्स्ट इमेज देश बंधु की शो की है मैंने, एंड सेकेंड इमेज मैंने लोकमान लोकोमोटिव की शो की है, थर्ड इमेज मैंने AC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विधान की शो की है, एंड फोर्थ इमेज हमारी जो अंतिम सितारा स्टीम लोकोमोटिव है 1972 का, उसकी शो की है। इन सभी पॉइंट्स एंड CLW के बारे में सभी पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। CLW एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एंड इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। सो एक एक पॉइंट को आप लोग बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर और जानते हैं BLW के बारे में। चलिए तो BLW में हम लोग बात करते हैं BLW के फाउंडेशन के बारे में, BLW के अर्ली प्रोडक्ट्स एंड BLW के इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में, प्लस हम लोग जानते हैं BLW इस वक्त किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, एंड BLW ने कुछ इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स किए हैं इन सभी के बारे में। तो चलिए एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स का जो फाउंडेशन है वो 1961 में एज डीजल लोकोमोटिव वर्क्स हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में। BLW ने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट डीजल लोकोमोटिव कुंदन को लॉन्च किया था जस्ट 3 ईयर्स ऑफ फाउंडेशन। सो कुंदन हमारे इंडिया का फर्स्ट डीजल लोकोमोटिव था जो एक इंडियन कंपनी के द्वारा बनाया गया था। कुंदन WDM2 सीरीज लोकोमोटिव है, एंड WDM1 सीरीज लोकोमोटिव जो है वो इंडिया का फर्स्ट गुड्स एंड पैसेंजर लोकोमोटिव है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। BLW ने फर्स्ट मीटर कॉर्ड डीजल लोकोमोटिव भी बनाया था इंडिया के लिए, जो हुबली नाम से 1968 में बना था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे BLW विश्व में एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके एक ही शेड के अंदर एल्को टाइप लोकोमोटिव एंड EMD टाइप डीजल लोकोमोटिव के साथ साथ इलेक्ट्रिक इंजन्स भी बनते हैं। इसलिए वर्ल्ड में ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स दोनों को एक ही शेड के अंदर बनाती है। BLW को 2016 से 2018 लगातार 3 सालों तक इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा बेस्ट प्रोडक्शन यूनिट सीट अवार्ड दिया गया है। सो BLW को लगातार ये 3 सालों तक अवार्ड मिला है, सो ये एक रिकॉर्ड है। सिमिलरली BLW ने एक और रिकॉर्ड को बनाया है जो हमारी 5th पॉइंट में है। BLW ने रिसेंटली 2018 में 2 एल्को डीजल लोकोमोटिव, एल्को लोकोमोटिव एंड EMD लोकोमोटिव के बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है। सो एल्को लोकोमोटिव WDG3A का कन्वर्जन, 2 एल्को लोकोमोटिव का कन्वर्जन WAG10 लोकोमोटिव, एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में BLW ने किया है। देखिए लास्ट पॉइंट है हमारी DLW के नेम चेंज के बारे में। सो 2019 के पहले BLW को DLW के नाम से जाना जाता था, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के। सो जब 2019 से BLW कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक इंजन पे स्विच कर चुका है, सो इसका नेम चेंज बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से कर दिया गया है। अब जो BLW है सिर्फ इलेक्ट्रिक इंजन पे ही काम कर रहा है, एंड इसके जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो WAG 10 इंजन एंड WAG 11 इंजन है, एंड WAP 7 इंजन BLW ने 2000 में बनाया था, जो अभी तक मोस्ट यूज्ड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है BLW के द्वारा बनाया गया, एंड पैसेंजर ट्रेन्स में सबसे ज़्यादा अभी इंडिया में WAP 7 इंजन ही यूज होते हैं। फर्स्ट इमेज जो मैंने शो की है वो इंडिया के फर्स्ट डीजल लोकोमोटिव कुंदन की है, सेकेंड इमेज हमारी फर्स्ट मीटर गॉज लोकोमोटिव हुबली की है, थर्ड इमेज हमारी BLW की न्यू लोकोमोटिव WAG 10 की है, एंड फोर्थ इमेज हमारी WAG 11 इंजन की है जो BLW रिसेंटली टेस्ट कर रहा है। ये सभी पॉइंट्स मैंने आपको एक एक करके समझाई BLW से रिलेटेड। आई होप सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर और जानते हैं DLMW के बारे में। DLMW में हम लोग बात करेंगे DLMW के फाउंडेशन के बारे में, DLW के द्वारा बनाए गए कुछ अर्ली प्रोडक्ट एंड अचीवमेंट्स के बारे में,
प्लस DLMW के न्यू अचीवमेंट्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में। इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारी DLMW का जो फाउंडेशन है वो 1981 में डीजल कंपोनेंट वर्क्स के नाम से किया गया था पटियाला पंजाब में। सेकेंड पॉइंट हमारे DLW का जो फाउंडेशन है वो एल्को डीजल लोकोमोटिव जो DLW वाराणसी बनाता था। सो DLMW का फाउंडेशन इन सभी लोकोमोटिव्स के मेंटेनेंस एंड इनकी इजी अवेलेबिलिटी सभी स्पेयर पार्ट्स की हो सके इसी के लिए DLMW को बनाया गया था। थर्ड पॉइंट हमारी DLMW इंडिया की एकमात्र ऐसी वर्कशॉप है जो किसी भी फॉरेन कोलैबोरेशन से नहीं बनी है। सो DLMW इंडियन रेलवे के इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया था एंड इसमें सभी हाईली क्वालिफाइड जो इंडियन रेलवे के इंजीनियर्स थे उन्होंने DLW के काम को स्टार्ट किया था। फोर्थ पॉइंट हमारी DLMW ने इंडिया का पहला रेल कम रोड व्हीकल बनाया है। ये व्हीकल एक क्रेन की तरह होता है जो किसी भी पटरी पर चढ़ सकता है एंड इसके ऊपर रेल व्हील्स भी लगे होते हैं एंड रोड व्हील्स भी नॉर्मली होते हैं। जब वो व्हीकल अपने आप को अप पुश करता है सो वो किसी भी रेल के ऊपर चढ़ सकता है, किसी भी रेल लाइन के ऊपर चढ़ सकता है एंड इस तरीके से वो व्हीकल मेंटेनेंस वर्क के लिए कहीं पे भी इंडिया में जा सकता है। ये व्हीकल इंडिया में पहली बार DLMW ने ही बनाया था। फिफ्थ पॉइंट हमारी DLMW जो है वो हमारे इंडिया में एकमात्र ऐसा फैक्ट्री है या ऐसा लोकोमोटिव वर्कशॉप है जो एल्को एंड EMD दोनों लोकोमोटिव के स्पेयर पार्ट्स को बनाता है एंड इसके साथ साथ DLMW अब WAP-7 एंड WAG-9 इंजन्स को भी बना रहा है क्योंकि इनकी डिमांड्स इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है एंड ये मोस्ट यूज्ड इंजन है। जैसे कि मैंने पहले भी CLW एंड BLW में आपको बताया था WAP-7 एंड WAG-9 के बारे में। सो DLMW भी अब इन इंजन्स को बना रहा है। आई होप DLMW से आपको सारी पॉइंट जो भी मैंने बताए वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर और जानते हैं इंडिया के कुछ न्यू फैक्ट्रीज के बारे में जो रिसेंटली इंडिया में बनाई गई हैं। चलिए न्यू डेवलप फैक्ट्रीज में हम लोग बात करेंगे ELF माधेपुरा बिहार एंड DLF मरहावड़ा बिहार फैक्ट्रीज के बारे में। सो ELF माधेपुरा बिहार एक जॉइंट वेंचर है, 2017 में इसको बनाया गया है एंड ये एलस्ट्रॉम फ्रांस कंपनी एंड इंडियन रेलवे का एक जॉइंट वेंचर है जिसको 800 WAG-12B इंजन्स को बनाना है 11 साल के पीरियड में। ये सभी इंजन्स डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में यूज होंगे एंड 120 किलोमीटर पर आवर से सभी गुड्स ट्रेन को ये लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारी DLF मरहावड़ा बिहार के बारे में। सो DLF मरहावड़ा बिहार जो है वो एक जॉइंट वेंचर है जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो अमेरिका की कंपनी है एंड इंडियन रेलवे के बीच में। इस कंपनी का जो मेन मकसद है डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मरहावड़ा का, ये 1000 हाई पावर फ्रेट लोकोमोटिव बनाने वाली है WDG-4G एंड WDG-6G। 1000 में 600 जो है हमारे वो 4G इंजन्स हैं एंड 400 हमारे 6G इंजन्स हैं। सो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, 600 4G इंजन एंड 400 6G इंजन। ये सभी इंजन्स को 10 इयर्स के पीरियड में बनाना है एंड 2018 में इस फैक्ट्री को बनाया गया था DLF मरहावड़ा बिहार को एंड जनरल इलेक्ट्रिक और इंडियन रेलवे ये दोनों कंपनी मिलके इन सभी इंजन्स को बनाने वाली है। आई होप जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको इंडियन रेलवे के लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड बताए हैं ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। आप लोग इनके नोट्स बनाइए या मेरे लेक्चर के PDF फॉलो करिए, कुछ भी करिए बट ये सारी पॉइंट्स आपको याद हो जानी चाहिए। सो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।